हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं आपके। एक तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, होता है आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चार रेजिस्टेंस हमने क्या होती है, सीरीज का मतलब क्या होता है, जब भी सीरीज सब है तो इसका मतलब ये देखा करो कि वहां पे क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, एक एंड का दूसरे एंड के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। चलिए आगे अगर बात करते हैं इसी बारे में, तो मैंने बोला कि सीरीज कनेक्शन कैसा हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, इस तरह से लगेंगे, इस तरह से रेजिस्टेंस लगेगा। यार बचपन में आप सब चीज़ पढ़ के आए हैं, अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है एक रेजिस्टेंस से, यहाँ पे आपके R1 है, R2 है, R3 है, और भी ज्यादा है, और इसको मुझे रिप्लेस करना है किसी एक रेजिस्टेंस से बस, तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, बचपन पढ़ के आ रहे सब आप, जाएगी आपकी R1 + R2 + R3 होगी, R1 + R2 + R3 और भी होंगे तो उनकी बराबर होगी, ठीक है। चलो आगे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। जब भी कोई रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में लगे होंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, सब में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। रेजिस्टेंस सेम होने का मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आई घुस रहा है तो यहाँ से भी आई घुसना चाहिए, यहाँ से भी आई घुसना चाहिए, यहाँ से भी आई निकलना चाहिए, तो सिंपल का मतलब है कि I1 = I2 = I3 ऐसे आपका होना चाहिए सबके लिए। तब तो आप क्या बोलोगे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। प्रूफ प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल इतना समझ में आना चाहिए। चलिए और नेक्स्ट बात क्या होती है, नेक्स्ट बात होती है आपकी वोल्टेज जो होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि मान लीजिए मैंने क्या किया, आपका इस तरह से मैंने इस तरह से तीन रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी आपकी वी की, तो करंट तो क्या होगा, तीनों में सेम होगा, मतलब करंट आई क्या होगा, तीनों में सेम होना चाहिए, जितना आई घुसा है उतना आई निकलना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप V2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप V3। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बच्चा बड़े आराम से बता सकता है, V1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी IR1, V2 की वैल्यू क्या होगी IR2, एंड V3 की वैल्यू क्या होगी IR3। इम्पोर्टेंट बात ये समझने वाली है कि अगर मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका क्या मतलब है, ये जो बैटरी का वोल्टेज है इन तीनों के ऊपर बराबर बराबर नहीं, इन तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी V = V1 + V2 + V3 होना चाहिए, V = V1 + V2 + V3 होना चाहिए। यहीं से एक्चुअली में ये रिजल्ट निकल के आता है, कैसे निकल के आता है सुनो, जब मैं V को लिखता हूँ आपका IR इक्वलेंट, और मैं IR1 करंट तो सेम होता है, तो मैं IR2 + IR3 लिख सकता हूँ, यहाँ से I से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, R1 + R2 + R3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है ये और कहीं से नहीं आया, इसी चीज से निकल के आता है कि V क्या होता है आपका सीरीज में, आपका हर किसी का वोल्टेज अलग अलग होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल वोल्टेज को आप बांट देते हो इस हिसाब से, और वो किस रेशियो में बढ़ता है, सबसे बड़ा सवाल आता है किस रेशियो में बढ़ता है कि भाई किस पे कितना आएगा, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो I1 R1 R2। देखो कैसे, मैंने बोला कि मान लो मुझे V1 = V2 = V3 पूछता है कि कितना होगा, V1 की वैल्यू क्या है वो है IR1, V2 की वैल्यू क्या है वो है IR2, और V3 की वैल्यू क्या है आपकी IR3, तो I से I को उड़ाते जाओ कि R1 = R2 = R3 आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके वोल्टेज के, क्या आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कभी कभी आपसे V1 V2 V3 की वैल्यू पूछता है, V1 V2 की क्या होगी, पहली बात तो यहाँ से सुनो, V1 V2 V3 का रेशियो करने का क्या है, R1 = R2 = R3, तो याद करने का तरीका होता है। मान लो आपको V1 निकालना है तो आप पहली बात उसकी वैल्यू क्या होती है, IR1 होती है, ठीक है, हर किसी को सुनने आती है IR1 होती है। चलो बहुत बहुत बड़ी बात है, तो खैर वो तो तुम लोग समझदार हो, निकाल लोगे, बताने वाली कोई बात है नहीं। V1 क्या हो जाएगा आपका IR1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा आपका IR2 हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा आपका IR3 हो जाएगा, इतना समझ आता है। अब I की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम्हारे I की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए ध्यान दो सर, जो I आपका उसमें जा रहा है वो I यहाँ पर भी तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, यहाँ पर भी तो वोल्टेज ड्रॉप V का ही है, ये सेम बैटरी बैटरी सिस्टम लगाया आपने, बिल्कुल, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, V = IR इक्वलेंट लिख सकते हो, जैसे आपने ये लिखा है V = IR इक्वलेंट, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V /
आर इक्वलेंट, और आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अगर आपको वी वन निकालना है तो वी वन की जगह आई की जगह क्या करोगे, आई की जगह क्या करोगे, वी अपॉन आर इक्वलेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आर वन। अब आर वन आर इक्वलेंट क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर। तो वो तो आप इतने समझदार हो, जिस तरह प्रश्न आएगा ऐसे आप सीखना था, तो क्या इसको वी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर, जैसा सवाल आएगा एग्जाम में आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे वो आपको करना है ये क्या हो जाएगा वी आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू, ठीक है। बाकी इस चीज़ को आप देख के एक बार वीडियो में समझ जाओगे, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी चीज़ लिख यहाँ पे लिखी हुई है स्टैम पे बोर्ड पे, वो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको समझ जानी चाहिए और आपको आनी भी चाहिए। आई होप कि वो समझ में भी आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया क्या, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा। अगर मैं नेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के लेके आपका हूँ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करना चाह रहा हूँ। सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि आपके रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल इतना हो गया कि आपके एंड सेम होंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब अगर पूछा जाए कैसे पता लगोगे पैरेलल है, तो ये आता ना कि सेम एंड्स आर जॉइंड कनेक्टेड। सेम एंड जॉइंट मतलब देखो इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड, इस वाले रेजिस्टेंस का भी ये एंड, इस वाले रेजिस्टेंस का भी एंड, सेम एंड आपस में कनेक्टेड है, सेम एंड आपस में कनेक्टेड। तो आपको क्या होता है, वो मेरा क्या लगता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो ये आपका आर वन हो गया, ये आपका आर टू हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर थ्री हो गया। फॉर्मूला हर किसी बच्चे को पता है कि मान लो मुझे इसको रिप्लेस करना है किसी एक रेजिस्टेंस से, किसी एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है, तो बताओ मैं कैसे करूँगा। तो आपको पहली बात प्रूफ के थ्रू समझाया था, याद रखना जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है आपका जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब जैसे इसके नीचे को जब बैटरी लगी हुई है ना, नीचे मान लो ये सारे बैटरी सेल लगा हुआ है बी का, तो उसके नीचे भी सेम बैटरी सेल मानोगे, बस आप आर वन आर टू आर थ्री को हटा के कर दोगे, बाकी सारी चीज सेम है। यहाँ से अगर करंट जा रहा है आई, यहाँ से भी करंट क्या मानोगे, आई मानोगे। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई टू हो जाएगा। तो जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। मतलब जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हर रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होती है। पोटेंशियल ड्रॉप से मेरा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा, कि अगर तुम यहाँ प्लस माइनस वी वन लिख रहे हो, यहाँ प्लस माइनस वी टू लिख रहे हो, और यहाँ पर प्लस माइनस वी थ्री लिख रहे हो, बात क्या हो जाएगी, वी वन और वी टू और वी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी बराबर हो जाएगी। हाँ, सबकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू होगी आपकी आई वन आर वन, ठीक है, वैल्यू निकालने की बात आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई टू आर टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई थ्री आर थ्री, ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि फिर डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, जिस तरह से आपके सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता था पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका, करेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड में याद करो, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, इस पॉइंट में लगाता हूँ जंक्शन लूप, मतलब जितना करंट घुसेगा उतना करंट निकलेगा भी। तो यहाँ से मैं सिर्फ क्या बोलूँगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये वाली बात समझ आ रही। अब एक ध्यान दो इस बात पर, अगर इस बात पर तुम ध्यान दो तो क्या मैं यहाँ से इससे वी वन को मैं जानता हूँ कि वो आई वन आर वन है, तो क्या मैं यहाँ से आई वन की वैल्यू लिखता हूँ आपका वी वन अपॉन आर वन। सिमिलरली मैं आई टू की वैल्यू लिखता हूँ आपकी वी टू अपॉन आर टू लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं आई थ्री की वैल्यू लिखता हूँ आपकी वी थ्री अपॉन आर थ्री लिख सकता हूँ। तो इन सब की वैल्यू को मैं इसमें उठा के रखने की कोशिश करता हूँ, जब मैं इन सब की वैल्यू को इसमें उठा के रखने की कोशिश करता हूँ, तो तुम देखो क्या मस्ती निकल के आएगी कि आई की वैल्यू, आई यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ तो वी अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वी है बस, यहाँ पे तो मैं सारी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे रखूँगा वी अपॉन आर इक्वल इज इक्वल टू वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस यहाँ पे क्या जाएगा तीसरा वी थ्री अपॉन आर थ्री। आगे भी कोई रेजिस्टेंस होगा तो आप सिर्फ ये बात लिख पाओगे जिससे। अब मैं जानता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, सबका सेम रहता है, तो वी इज इक्वल टू वी वन, सारे वोल्टेज क्या रहते हैं आपके सेम रहते हैं, वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री, सब सब क्या होंगे आपके बराबर होते हैं। तो सब बराबर है तो क्या मैं इनको काट सकता हूँ, हाँ सभी को काट सकते हो, तो तीनों को काट सकता हूँ, तो क्या बचेगा आपका वन बाय आर इक्वल इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे
ये फॉर्मूला किसका दिया गया आपके सामने, दिस फॉर्मूला इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका आर इक्वल का फॉर्मूला ये निकल के आता है, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1+1/R2 सम का सम। अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, इफ देयर आर ओनली टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसमें आप एक दूसरा फॉर्मूला नहीं बोलूंगा पर वो तो डेरिवेशन से आ जाता है सिंपल से, आप उस टाइम पे आर इक्वल टू सीधे लिख पाओगे R1 R2 / R1+R2। काफी बार जो सवाल आते हैं आपके सिर्फ दो रेजिस्टेंस आते हैं, तो कल को अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखते हैं आपको, तो आप सीधे सीधे इससे भी आंसर निकाल सकते हो। कुछ स्पेशल सवाल और बनते हैं जो जिसको सीधे देख के आपको आंसर बताना चाहिए, वो क्या तो सुनो। ये मान लीजिए आपके कि भाई एग्जाम्पल से समझो इसको, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करने वाला एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका यहाँ पे है आर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका आर लगा हुआ है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या है सेम, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो याद रखना, वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जैसे ये आर है ये आर है, तो दोनों बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा R/2 आ जाएगा। आप प्रूव करके भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, और निकाल लोगे। और एग्जाम्पल देखता हूँ, तो मतलब मैंने क्या किया आपका इस तरह से, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, इसकी दूसरा रेजिस्टेंस है, ऐसे तीसरा रेजिस्टेंस है, और तीनों बराबर बराबर, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, उस टाइम पे जो आर इक्विवेलेंट हो गया वो क्या हो जाएगा आपका R/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जितना भी रेजिस्टेंस, जितनी शाखा है उतना रेजिस्टेंस। तो एग्जाम्पल की अगर मैं और बढ़ाऊँ, और मैंने बोला कि मान लीजिए इस तरह से आपके एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सब बराबर है, तो उस टाइम पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा R/N हो जाएगा। आई होप कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अभी इसी सवाल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, सर करंट डिस्ट्रीब्यूटर है ना, यानी हर ब्रांच में क्या होगा आपका अलग अलग करंट होगा। जैसे पिछले वाले सवाल में क्या था, हर रेजिस्टेंस में आपका अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप था V1 V2 V3, तो यहाँ से मैंने क्या किया था V1 V2 V3 को निकालना सीखा था। अगर सवाल में तुमसे इस वाले सवाल में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो तुमसे क्या पूछेगा, वी तो सेम है इस बार हर किसी में, पोटेंशियल सब में सेम है, तो वो तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या आपसे कि हर किसी शाखा में कितना करंट है। तो अगर मुझे हर किसी शाखा में करंट को निकालना सीखना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो देखो मैंने बोला कि सर सब में क्या है आपका पोटेंशियल तो बराबर है ना, सब में तो क्या है पोटेंशियल, मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या है प्लस वी है, इसका V1 मैं बोलता हूँ, इसको मैं V2 बोल देता हूँ, और इसको मैं आपका V3 बोल देता हूँ। ठीक है, ये बोल देता हूँ। तो V1 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, V1 की वैल्यू है आपकी I1R1, V2 की वैल्यू क्या है आपकी I2R2, ठीक है, और V3 की वैल्यू क्या है आपकी I3R3। तो सवाल में अगर आपसे पूछता है कि भाई I1 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी V1/R1। लेकिन मैं जानता हूँ V तो हमेशा सेम रहता है, इसको आप सिंपल V/R1 भी बोल सकते हो। ऐसे आप I2 की वैल्यू क्या बोलते हो, V/R2 बोल सकते हो, और आप I3 की वैल्यू क्या बोलते हो, V/R3 बोल सकते हैं। बड़े प्यार से, बड़े आसान से, कोई दिक्कत वाली बात मेरे तरह से नहीं है, और आप आराम से सवाल को कर भी पाओगे। लेकिन कल को मान लो सवाल में आपको सवाल में इससे कर लोगे, लेकिन मान लो कल को सवाल में आपको इस तरह से रखा है कि मुझे करंट दे रखा है, मुझे यहाँ से निकलने वाला जो करंट है, यहाँ से निकलने वाला जो करंट है वो दे रखा है, इट्स ओके मनदीप, कोई बात नहीं। मान लो आपको क्या है कि यहाँ से निकलने वाला करंट दे रखा है, तो करंट की वैल्यू और सेम वोल्टेज पे, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से V/R इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू तो अपन जानते हैं 1/R1+1/R2 हो जाएगी। तो कल को कभी क्या होता है कि आपको V ना देखे आई की वैल्यू था, तो आप उसकी आई की वैल्यू कुछ नहीं आ सकता, गलत यहाँ से भी क्या आ जाएगा, V=IR इक्विवेलेंट आ जाएगा। जहाँ पे भी V आ रहे हैं वहाँ पे आप इस IR इक्विवेलेंट को बदलोगे, तो वो तो डिपेंड करता है किस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है। जैसा भी देखा आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो, बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल कर सकते हो, और जो जो बेसिक बातें मैंने अभी तक बताई हैं उनको ध्यान रखोगे, आपके आंसर हमेशा से अच्छे से और सही से निकल के आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करने का आप प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे ले लीजिए आप, इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपके पास में, ये हो गया 1 ओम है, 2 ओम है, और आपका 1 ओम है, 3 ओम है, और आपका है 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे लगाया आपका 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। सवाल है फर्स्ट की, भाई आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ कितना होगा। सवाल है सेकंड की, बताइए आई कितना होगा सेकंड, क्योंकि सेम होगा रेजिस्टेंस सीरीज में आपके। और थर्ड पूछ रहा है कि वी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वी अक्रॉस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आपका निकल के आएगा। तो देखो करते हैं सवाल को, तो आर इक्विवेलेंट के लिए तो सर सीरीज में है, तो सीरीज क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
आरती, जिसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, बड़े प्यार से आपकी आरक्षण वैल्यू क्या निकल जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी। एक बार आरक्ष जब भी सवाल उसका जाता है तो पहले उसको आरक्षण से बना लो डायग्राम को, उसकी वैल्यू क्या है 60 आपकी, ठीक है। यहाँ पर 30 वोल्ट के बैटरी है, आई को आप क्या लिखते हो, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो बड़े आराम से। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी 30 वोल्ट की बैटरी है 6 है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 एम्पीयर हो जाएगी। कोई प्रश्न वाली बात है उन्हें नहीं चाहिए और समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगर आगे बात करते हैं, वी एक ईच रेजिस्टेंस, तो आपके पास आई है आर वन है, तो वी वन क्या हो जाएगा आई आर वन हो जाएगा, वी टू क्या हो जाएगा आई आर टू हो जाएगा, और वी थ्री क्या हो जाएगा आपके पास में आई आर थ्री हो जाएगा। मान लो सवाल में आपको आई ना निकलवाया गया होता तब कैसे करते हैं, तब इसको इसी तरह कर सकते वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री भी कर सकते थे। अगर आपको सवाल में आई ना पूछा गया होता तो आप इससे भी कर सकते, क्या सवाल में आपको आई आपने निकाल दिया, तो अगर आपको नहीं दिया तो आप इससे करते, दिया है तो आप इससे करोगे, जब आप आई निकाल चुके तो कल को 5 × r1 की वैल्यू बनती है, ये जगह 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या देगी 5 × 3 यानी 15 वोल्ट, क्या देगी 5 × 2 यानी 10 वोल्ट। मगर एक बात पे गौर करो कि मैं अगर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 5 + 15 + 10 यानी 5 + 20 और 10 × 30। मैं एक बात ध्यान दूंगी किसके बारे में निकल के आ रहा है तुम्हारा, इस बैटरी के साइज को जानने के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री होता है हमेशा, ये वाली बात मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। आई गेस के जितने भी इस तरह के सवाल हैं आपके सामने समझ में आपको आ रहे हैं। कभी कभी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री का रेशो पूछता है, कभी कभी आपसे आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री का रेशो पूछता है, तो वी अपॉन आर वन लिख सकते हो, वी तो सेम होता है ना आपका, तो कभी वी अपॉन आर टू बोल सकते हो, उसको वी अपॉन आर थ्री बोल सकते हो, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई वन इज टू आई थ्री आई टू प्लस आई थ्री का रेशो क्या आ जाएगा, चल जाएगा। कभी कभी रेशो भी पूछे गए हैं तो रेशो भी निकालना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो भाई पैरेलल के सवाल आएंगे, छोटे मोटे सवाल तो आप कर लोगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आगे इन पर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग कहाँ से निकाल पाते हो नहीं पाते। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, ये रेजिस्टेंस आर 2R 4R 8R goes to infinity R connected are connected in parallel are connected in parallel find their equivalent resistance find their equivalent resistance। सवाल है कि रेजिस्टेंस आर टू आर फोर आर एट आर ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो करते हैं सवाल को, मैंने बोला कि सर कैसे करेंगे सवाल को, देखो तो सबसे सबसे उसमें लगे हैं आपके पैरेलल में, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री अप टू गोस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू का लिखा जाता है तो वन बाय आर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन बाय टू आर हो जाएगा, यहाँ पे वन बाय फोर आर हो जाएगा, ऐसे आप वन बाय एट आर हो जाएगा, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ। हमें से आर आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आपको क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, तुम बच्चा बच्चा देख के बता सकते हैं, बच्चे ने पढ़ के आ गई तुम्हारी क्या लिखी है, ये तुम्हारी जी पी लिखी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी है, सीरीज है जी पी सीरीज, इसको क्या करेंगे ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए ए आर ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू गोज टू इन्फिनिटी, तो उसमें क्या होता है इसको हम बोलते हैं आपका इनफाइनाइट सीरीज। उसकी खास बात क्या होती है, अगर आपको उसका सम निकालना है सबको जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, पर ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हो जब आर की वैल्यू क्या है मोड में, आर की वैल्यू क्या है इट इज लेस देन वन, अगर आपकी वैल्यू जो है वन से छोटी है तब ही इसका सम निकाल सकते हो, वरना आप सम नहीं निकाल पाओगे। सम क्यों नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज अगर इनफाइनाइट सीरीज में अगर आपका आर बड़ा होगा वन से तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती जाएगी, लेकिन अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है इसका मतलब वैल्यू कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम, तो एक पॉइंट में जाकर वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें देखो तुम्हारा आर क्या है, आर है आपको 1/2, मतलब अगर मैं इससे 1/2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा, इससे 1/2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा, इससे 1/2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी 1 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इनफाइनाइट सीरीज में आप देख रहे हो कि आर की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, और आर की वैल्यू 1 से छोटी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अपॉन 1 - r, तो 1/r = ए क्या है 1 / 1 - 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी फाइनली इसकी वैल्यू मेरे प्यारे से बच्चों 2/r निकल के आएगी इसके लिए, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना, कई बार तो बच्चे यहाँ से मारते जाते हैं, तुम देखो यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है,
वन बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू टू बाय आर निकल के आएगी, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो तो पांच कर देगा आर बाय टू, इसका आंसर क्या देगा आर बाय टू। आई होप कि वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आईआईटी और अलग अलग एग्जाम्पल के क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीरीज पैरेलल की, बहुत सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं सीरीज पैरेलल की ऑफ रेजिस्टेंसेस, उनको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है।